हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है, बिकॉज एक प्रॉब्लम के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, एक समस्या के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। और वो समस्या है भैया कैश कोहेरेंस प्रॉब्लम। भैया ये कैश कोहेरेंस प्रॉब्लम क्या होता है उसको एक सिंपल से एग्जाम्पल के साथ मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ, और फिर उसके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं वो अगले वीडियो में ऑब्वियसली हम देखने ही वाले हैं। तो सबसे पहले समस्या को समझ लेते हैं, फिर समाधान को समझेंगे, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम कहाँ पे है वो समझते हैं। ये आपका मेन मेमोरी है, ओके। और यहाँ पे आपके कई सारे प्रोसेसर्स हैं, कई सारे, यहाँ पे तो मैंने 4 दिखाए हैं, उस 4 की जगह आप N लगा सकते हो और कोई भी आंकड़ा लिख सकते हो। उतने सारे आपके पास आपके सिस्टम में प्रोसेसर्स हैं, और हर एक प्रोसेसर के पास अपना अपना एक प्राइवेट कैश है, बराबर। दैट जैसे कि P1 के पास C1 है, P2 के पास C2 है, उसी तरीके से PN के पास CN है। इस तरीके से हर एक प्रोसेसर अपना अपना जो कैश है वो होल्ड कर रहा है प्राइवेटली यहाँ पे, ठीक है। तो अभी प्रॉब्लम कहाँ आती है और प्रॉब्लम कब आती है, जब सारे के सारे जो प्रोसेसर हैं यहां पे जो भी मौजूद हैं, जब वो एक ही डेटा एलिमेंट, यानी कि इस केस में x मान लो एक डेटा एलिमेंट है, बराबर, उसके ऊपर जब ऑपरेट करने की कोशिश करते हैं तो फिर कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं किसी एक पर्टिकुलर सिनारियोज में। जैसे कि मान लीजिए वो एलिमेंट ऑब्वियसली आपका मेन मेमोरी में प्रेजेंट है, बराबर, एंड प्रोसेसर P1 जो है वो कोई तो जॉब कर रहा है J1। फॉर एग्जाम्पल प्रोसेसर P1 वॉन्ट टू कैरी अ जॉब J1 ऑन डेटा एलिमेंट x। तो सबसे पहले क्या होगा, मेन मेमोरी से वो जो डेटा एलिमेंट x है वो लोड कर दिया जाएगा इनटू द कैश C1 ऑफ द प्रोसेसर P1। तो जैसे ही वो लोड हो गया, एलिमेंट x लोड हो गया, तो मान लीजिए उसकी इनिशियल वैल्यू थी 10, इनिशियल वैल्यू वॉज 10। तो अभी ये जो जॉब है, ये जॉब क्या कहता है कि वॉट एवर द वैल्यू ऑफ x इज दैट जॉब सेज कि उस वैल्यू को हमें डिक्रीमेंट करना है बाय 1। तो आप क्या करोगे, x की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, लोड करने के बाद ऑन दैट पर्टिकुलर x वी आर गोइंग टू परफॉर्म दैट जॉब विच सेज कि भैया उस x एलिमेंट की वैल्यू 1 से डिक्रीमेंट कर देनी है। आफ्टर ऑल आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, 9 रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब प्रॉब्लम कब होगी कि जब ये आपका जो रिजल्ट है ये मेन मेमोरी में अपडेट होने से पहले, यानी कि इस एक्स की वैल्यू मेन मेमोरी में अपडेट होने से पहले अगर ये प्रोसेसर ने रिक्वेस्ट कर दिया फॉर दैट सेम डेटा एलिमेंट टू द मेन मेमोरी, तो वो मेन मेमोरी क्या करेगा, इट विल लोड द सेम वैल्यू ऑफ एक्स दैट इज 10 इन टू द प्रोसेसर P2's कैश C2। तो यहाँ पे उसने लोड कर दिया, समझ में आ गया कि नहीं। बिफोर दिस x इज अपडेटेड इनटू द मेन मेमोरी, इस प्रोसेसर ने रिक्वेस्ट कर दिया फॉर द सेम डेटा एलिमेंट x, और वो x इज इक्वल टू 10 की जो वैल्यू है वो आपकी यहाँ पे लोड हो गई इन द प्रोसेसर। और यहाँ पे प्रोसेसर P2 के पास एक और जॉब आ गया, समझ लो J2। देर आर डिफरेंट जॉब्स दैट एवरी प्रोसेसर कैन परफॉर्म। तो इसके पास एक जॉब आ गया J2, वो बोलता है कि भैया वॉट एवर द डेटा एलिमेंट इज देयर उसको आपको x से इंक्रीमेंट करना है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू आई, x इज इक्वल टू 10 लोड हो गई फ्रॉम द मेन मेमोरी इन टू द कैश C2 ऑफ द प्रोसेसर P2। तो उसे फिर हम लोगों को x से इंक्रीमेंट करना है एज पर द जॉब J2 विच इज परफॉर्म्ड ऑन द प्रोसेसर P2। तो फिर हमने क्या किया, इसको यहाँ से काट दिया 10, हमने बोला इसको 1 से इंक्रीमेंट करना है, तो वो 11 हो गया। तो वो क्या हो गया, 11 हो गया। उसी तरीके से, सेम वे, सिमिलरली, बिफोर दिस वैल्यू गेट्स अपडेटेड टू द मेन मेमोरी, अगर वापस से P3 ने रिक्वेस्ट कर दिया फॉर द डेटा ऑफ द सेम एलिमेंट x, तो वही के वही जो वैल्यू x इज इक्वल टू 10 यहां पे लोड हो जाएगी। एंड सिमिलरली ये प्रोसेस चलती रहेगी, और फाइनली जो पिक्चर हमें दिखेगा अपने सिस्टम का वो कुछ ऐसा होगा, x इज इक्वल टू 10, मतलब x की वैल्यू 10 है मेन मेमोरी में, यहां पे P1 के कैश में x की वैल्यू 9 है, P2 के जो कैश है उसमें x की वैल्यू 11 है, एंड मान लीजिए यहाँ पे C3 एंड C4 के x में भी कुछ ना कुछ अलग ही वैल्यू है। तो यहाँ पे आपको क्या सिस्टम का व्यू देखने को मिल रहा है, इनकंसिस्टेंसी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी कि भैया डेटा आइटम जो है वो एक ही है, x डेटा एलिमेंट जो है वो एक ही है x, लेकिन वहाँ पे सिस्टम में उसकी एक से ज़्यादा वैल्यूज है, बिकॉज हमने यहाँ पे जो कैश है रिस्पेक्टिव प्रोसेसर्स के उनको हमने फ्रीडम दे दिया टू अपडेट द वैल्यूज, हमने उन्हें क्या कर दिया, फ्रीडम दे दिया टू अपडेट द वैल्यूज। तो यहाँ पे वो अकॉर्डिंग टू द जॉब दे कैन अपडेट दिस वैल्यू, अकॉर्डिंग टू द जॉब दे कैन अपडेट द रिस्पेक्टिव वैल्यूज ऑफ द डेटा एलिमेंट इन दिस केस x। इस वजह से क्या होता है, थ्रू आउट द सिस्टम आपका इनकंसिस्टेंसी ऑफ डेटा क्रिएट हो जाता है। तो ये थी समस्या कैश कोहेरेंस प्रॉब्लम की दोस्तों, आई होप मैंने उसको बहुत ही अच्छी तरह क्लैरिटी के साथ आप तक पहुंचाया है। तो अभी समस्या का समाधान क्या होगा, कौन कौन से सॉल्यूशंस है, तो दोस्तों वो 4 सॉल्यूशंस है जो मैं आपके साथ अगले वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। तो जरूर अगला वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ गया होगा, समझ में आ गया होगा, तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों इस वीडियो को जरूर अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।